आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के तीन लीडर, एक बच्चा कांग्रेस, एक बूढ़ा कांग्रेस, अम्मा कांग्रेस, ये तीन लीडर घरे घर घूम रहे, अवाम को जाके बोल रहे कि हमारी पार्टी अगर हुकूमत में आई तो हम क्या करते हैं, वो नहीं बोल रहे। एक औरत कहने लगी, ठीक है आपकी सरकार आई तो मेरे घर में दो बच्चियां हैं, अभी है मौजूदा सरकार 75,000 रुपये दे रही, आपकी कांग्रेस पार्टी क्या देती, बोलिए हम किस क्या समझ के वोट डालना, 70 साल से हम आपको वोट दिए, आप लोग अवाम के लिए तो कुछ नहीं करें। और रही बात ये कांग्रेस पार्टी, भार्गव देशपांडे करप्शन की औलाद, ये हाईकोर्ट के वकील साहब के फर्जंद है, आपके पिताजी कितना करप्शन कर रहे, राजशेखरणी साहब के पीरियड में जीपी थे, तो आज उनको यही समझ में आ रहा हर आदमी करप्शन करता है। जोगू रामाना साहब के पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए आपका चरित्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। जोगू रामाना साहब की उम्र सियासत में जितना वक्त गुजर गया उतनी उम्र आपकी नहीं हुई, आपको वो एक बेवकूफ़ शख्स और बीफाम दे दिया, आप खड़े हो गए, आपका हाल क्या हुआ आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे आदिलाबाद। जोगू रामाना मिनिस्टर साहब बने बाद आदिलाबाद का हर वो एरिया, हर एरिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा। मैं तो समझता हूँ भार्गव जी आपको एक खेड़े गांव का पता नहीं, आप MLA के ख्वाब देख रहे, अब आपको टिकट भी आ गया, सुजाता मैडम इन हराने के लिए तैयार है, रामचरणी साहब तो हमेशा तैयारी से रहते, कांग्रेस वालों को हरा देते, टिकट आए तो जय कांग्रेस नहीं तो नहीं कांग्रेस। ये कांग्रेस में 3-13-9-18 पहले तुम्हारा घर से नहीं है, हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए, हम तो आपको ऑफर दे रहे आइए, हम क्या डेवलपमेंट करें, हम क्या करप्शन करें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक जो फंड्स आप लोग नहीं खर्च कर सकेंगे उससे 100 times डेवलपमेंट के काम के लिए हम बजट अलग करके डेवलपमेंट कर चुके हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, आप सिर्फ टिकट की उम्मीद में इल्ज़ाम लगा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। आप आइंदा से जोगू रामाना साहब के बात करने से पहले आप अपने चरित्र को देख के बात कीजिए।